सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में पार्थी और अधिक ने सबसे छुपते छुपाते शादी कर ली है। ये बात क्या हाउस और कपाड़े परिवार जान गए हैं और वनराज ने तो पार्थी को धक्के मारकर घर से भी बाहर निकाल दिया है। ऐसे में पार्थी और अधिक को अनुज और अनुपमा ने सहारा दिया है और दोनों को अपने घर में ही रखा है। लेकिन अब बाबूजी ने ये फैसला किया है कि पार्थी और अधिक की शादी दोबारा होगी, वो भी परिवार की मौजूदगी में, ताकि समाज वालों को सच्चाई का पता न चल सके। हालांकि इनकी शादी से सभी तो राजी हो गए हैं, लेकिन बरखा और वनराज नहीं। जी हाँ दोस्तों, पिता होने के बावजूद भी वनराज ने पाखी की शादी में आने से साफ मना कर दिया है, लेकिन पिता के बिना कन्यादान हो ही नहीं सकता है, ये बात सभी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अब पाखी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है और उसे अपने पिता की अहमियत समझ आने वाली है, जिसके चलते वो शाह हाउस जाकर वनराज से माफी मांगने जाएगी, जहाँ पर वो वनराज के आगे रोती हुई इमोशनल नजर आएगी और अपने गुनाहों की माफी भी मांगेगी और शादी में शामिल होने के लिए कहेगी, क्योंकि वनराज नहीं आया तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर क्या वनराज अपनी बेटी की खातिर शादी में शामिल होगा या एक बार फिर पाखी को धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वेल दोस्तों, क्या वनराज को पाखी को माफ कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।